असलकुम माई यूट्यूब फैमिली आई होप एवरीबडी इज़ फ़ाइन वी आर फाइन अलहमदिल्ला वेलकम टू जूनीज़ वर्ल्ड इन यू के उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद होंगे अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आप लोगों की हर तरह की बीमारियों मुश्किल और मुसीबतों से दूर करें आप लोगों से आमीन आज मैं आप लोगों से के साथ शेयर करने लगी हूँ फिरनी की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही यमी बनती है ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग अक्सर लोगों को फ़र्क नहीं पता कि फिरनी और खीर में क्या फ़र्क होता है फिरनी जो होती है उसमें चावलों का आटा डलता है और जो खीर होती है उसमें बॉयल वाइट राइस डलते हैं तो आज मैं आप लोगों को फिरनी बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी सी रेसिपी के साथ उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी इसके अंदर मैंने चावलों का आटा लिया है इजीली अवेलेबल होता है मार्केट से मैंने टेबल स्पून यूज़ किया है ये वाला एट टू नाइन टेबल स्पून यूज़ किए हैं मैंने इसके अंदर शुगर जाएगी कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी मैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट ये सवा दो लीटर जो है टू पॉइंट टू सेवन लीटर जो है वो मेरे पास मिल्क है सात छोटी इलाइचियां हैं और बादाम रखे हुए मैंने और ये जो है मेवे होते हैं जिन्हें हम रेजन्स कहते हैं अब जो आप आ, जो दूध है ऑलमोस्ट टू लीटर जो है वो मैं ऐड कर दूँगी डाल दूँगी जिसमें भी आप बना रहे हैं पोट उसमें मैं ऐड कर दूँगी और मैंने थोड़ा सा जो दूध है वो बचा लिया है क्योंकि जो चावलों का आटा है उसके अंदर मैंने मिक्स करना है दूध के अंदर पेस्ट बनानी है इसकी अब जो दूध मैंने डाल दिया है उसके अंदर जो मैंने ये इलायचियाँ रखी हुई हैं ये फ़ाइव टू सिक्स इलायचियाँ हैं ये ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर और इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है दूध को आपने चूल्हे पर रख देना है गर्म होने के लिए और आपने जो चावलों का आटा है उसका जो आपने लेफ़्ट ओवर दूध था वो उसके साथ मिक्स करके आपने इसकी बहुत अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है इस बात का ख्याल रखना है कि इस पेस्ट बनाते वक्त इसमें गुठलियाँ नहीं बने अब ये देखें मैंने पेस्ट बना ली है इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं बड़ी स्मूथ सी पेस्ट बनी है ये दूसरी तरफ जो हमने दूध रखा था उसको आपने चम्मच से हिलाते रहना है ताकि जो दूध है वो नीचे नहीं लगे और जो दूध है अच्छी तरह ये गर्म हो गया है जब तो इसके अंदर आपने जो मिक्सचर आपने बनाया था चावलों के आटे का और दूध का वो आपने इसके अंदर ऐड करना है जब आपका दूध जो है वो बॉयल हो जाएगा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तब आप ऐड करेंगे इस मिक्सचर को इसके अंदर अब मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस तरह ऐड करना है जब आप मिक्सचर ऐड कर रहे हैं तो आपने मुसलसल जो है चम्मच छिलाना है दूध के अंदर क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आप जो ऐड कर रहे हैं चावलों के आटे का मिक्सचर वो उसके अंदर दूध के अंदर जाते ही वो गुठलियाँ बन जाएंगी तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अच्छे तरीके से चम्मच भी हिलाते रहना है और हल्का थोड़ा थोड़ा जो है वो जो चावलों के आटे का जो मिक्सचर है वो ऐड होगा उसके अंदर और उसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है खीर और फिरनी आप कुछ भी बना रहे हो उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो मीठा है वो नीचे नहीं लगे दूध नीचे नहीं लगे इस इसलिए हम जो हैं वो चम्मच जो है वो, वो मुसलसल हिलाते रहते हैं अब ये देखिए मैंने इसके अंदर मिक्सचर जो है वो ऐड कर दिया है और इसको अब मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ साथ साथ क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो जो दूध है वो नीचे लग जाएगा और वो बहुत ही बैड स्मेल जो होती है उसकी होती है अगर दूध नीचे लग जाए तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है पानी इसका वेपोरेट कर देना है इसको ज़रा थिक करना है ऑलमोस्ट वन आवर के बाद इसकी शक्ल जो है वो इस तरह की देख देखें थोड़ी सी uh, जो है वो uh, थिक हो गई है इसके इस टाइम पे अब मैं कंडेंस मिल्क ऐड करने लगी हूँ वन कैन अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप बर्फ़ी भी यूज़ कर सकते हैं अगर बर्फ़ी नहीं है तो आप ख्योरा एसेंस जो होता है वो ऐड कर सकते हैं अगर वो भी नहीं है ऐड तो इन इन तीनों चीज़ों में से अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी अवेलेबल आप नहीं करें ऐड आप उसको बस अच्छी तरीके से पका लें ताकि जो सारा दूध के अंदर जो पानी है वो अवेपोरेट हो जाए चीनी अब मैं एक दफ़ा जब गाढ़ा हो जाएगा आपके पास फिरनी तो उसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी मैंने थ्री थर्टीन टेबल स्पून ऐड किए हैं आप कुछ लोग कम खाते हैं मीठा कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं अब ये जो आपने मेवे जात रखे हुए हैं आप इसके अंदर आपके आपके पसंद के मुताबिक आप जो है वो आ, जो है ऐड कर सकते हैं मुझे और ये चीज़ें पसंद हैं तो मैं सिर्फ ये ऐड कर रही हूँ आधी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं आधी मैं जो हूँ गार्निशिंग के लिए रखूँगी एक दफ़ा जब चीनी जल जल जाती है तो उसका थोड़ा सा वो ज़रा पतला हो जाता है क्योंकि चीनी का जो पानी होता है वो पतला कर देता है उसको आप थोड़ी देर पकाएंगे अच्छे तरीके से देखें इसका जो रंग है वो थोड़ा सा येलोइश हो गया है अच्छी तरह चीनी को पका के आपने इसको देखें इस तरह का गाढ़ा हो गया है फिरनी जो होती है वो ज़रा कम गाढ़ी होती है जो खीर होती है वो ज़्यादा गाढ़ी होती है अब इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं जब एक दफा आपकी खीर के अंदर या फिरनी के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि वो रेडी है अब आप चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा करने के बाद आप इसको डिश आउट करेंगे अगर आपका चीनी का बर्तन बर्तन है तो आप थोड़ी सी कोई भी गरम चीज है चाहे वो फिरनी है या खीर है या कोई सालन है वो आप थोड़ा सा उसके अंदर डाल के और उसको चम्मच को ज़रा हिला देंगे तो आपको जो चीनी का बर्तन है वो कभी टूटेगा नहीं डिश आउट करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको गार्निशिंग कर सकते हैं या डेकोरेट कर सकते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है आपको जैसा कोई डिज़ाइन पसंद हो या कुछ और आपने ऐड करना है मेवे जात में आप वो भी ऐड कर सकते हैं आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये यमी सी रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको कैसी लगी अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पे मिल सके इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ दुआओं में याद रखिएगा आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग